हेलो एंड वेलकम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ आइडियोलॉजी। वी विल ब्रीफली डिस्कस अबाउट आइडियोलॉजी एंड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी व्हाट इज़ आइडियोलॉजी। सो देयर आर सेवरल डेफिनेशन गिवन ऑफ आइडियोलॉजी। सो द फर्स्ट वन इज़ आइडियोलॉजी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। आइडियो मीन्स आइडियाज एंड लॉगस मीन्स साइंस। दस आइडियोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ आइडियाज। तो आइडियोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ आइडियाज। जब एक स्पेसिफिक एक पॉइंट पे, एक आइडिया पे बहुत सारे लोग गैदर्ड हो जाते हैं तो एक नई आइडियोलॉजी वजूद में आती है। सो द सेकंड वन पॉइंट इज़ आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ विच डायरेक्ट वन गोल। जब बहुत से लोग एक पॉइंट पे आके गैदर्ड हो जाते हैं तो उसमें उनका गोल सिमिलर होता है, एक ही गोल होता है एकम्प्लिश करने के लिए, एक ही गोल होता है ताकि वो गोल सक्सेसफुल हो जाए। इसीलिए एक आइडिया पे बहुत सारे लोग आके मिल जाते हैं। द थर्ड वन इज़ एवरीबॉडी हैज़ अ स्पेसिफिक एम ऑफ लाइफ। टू अचीव द एम द सेट ऑफ आइडियाज़ इज़ रिक्वायर्ड। सिमिलरली इन कलेक्टिव लाइफ ऑफ अ ग्रुप और नेशन पीपल स्ट्रगल कलेक्टिवली इन द लाइट ऑफ कॉमन थिंकिंग। दैट कलेक्टिव थिंकिंग इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी ऑफ द नेशन। ओके, आइडियोलॉजी ऑफ द नेशन क्या होती है? जब एक कॉम एक डिफरेंट सेगमेंट सोसाइटी के वो एक पॉइंट पे एग्रीड हो जाते हैं, एक पॉइंट पे इतफाक कर लेते हैं तो, और उनका गोल एक ही होता है तो वो एक आइडियोलॉजी बनाते हैं, एक सेट ऑफ आइडियाज़ बनाते हैं ताकि वो एक चीज़ के लिए सारे जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और अपना पॉइंट आगे पहुंचाएं। सो द काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजी, वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजी। The first one is religious ideology. It deals to establish a social and living system under the guidance of a basic principle of a religion. ये religion से related as the name states के religious ideology है। तो इसमें जो है ना आप जब अपने रिलीजन के ऊपर कोई नुक्ता, जैसे एक नुक्ते पे आप लोग जैसे एक नुक्ते पे कोई इकट्ठे हो जाते हैं तो वो रिलीजियस आइडियोलॉजी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें रिलीजन का अमल दखल होता है कि आपने अपने रिलीजन को सामने रखना होता है। ठीक है, सेकंड वन इज़ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। इज डील्स टू एस्टेब्लिश अ स्पेसिफिक पोलिटिकल सिस्टम ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ अ स्पेसिफिक आइडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग। पोलिटिकल आइडियोलॉजी में जब एक सेगमेंट का माइंड सेट सेम होता है तो वो एक ही पॉइंट पे आके जमा हो जाते हैं तो उसको पोलिटिकल आइडियोलॉजी बोलते हैं। एंड इट ऑब्वियसली ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज पोलिटिकल आइडियोलॉजी। द थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। इट डील्स टू सॉल्व द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द नेशन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड द कम्युनिस्ट इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी में हमारे पास जो फाइनेंशियल जो हमारे पास फाइनेंशियल वो है फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं नेशन को, उसमें आप उसमें जो है ना एक गवर्नमेंट पूरी आइडियोलॉजी बनाती है या जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो उसमें एक प्रॉपर आइडियोलॉजी या एक प्रॉपर जो है ना उसमें वो एक सेट ऑफ आइडियाज़ बनाते हैं ताकि आगे हमारी नेशन को सफ़र ना करना पड़े। ठीक है, सो द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कहाँ से अराइज़ हुई? ये जब रिवॉल्ट स्टार्ट हुए सब कॉन्टिनेंट में और मुसलमानों को लगा कि हमें एक अलग स्टेट की ज़रूरत है, वहाँ से अराइज़ हुई आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ आइडियोलॉजी के पाकिस्तान के एक पॉइंट पे कि हमें एक न्यू नेशन चाहिए, बहुत से लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। सो द पॉइंट इज़ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जब बहुत से लोग आके मुसलमान आके एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए तो उनको उनको ये था कि हमारा रिलीजन इस्लाम है तो हमें इस्लाम को सामने रखना है। इसी बेस पे उन्होंने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पेश किया, ऑन द बेसिस ऑफ विच मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड। उसके लिए जो मुसलमान थे सब कॉन्टिनेंट के, उन्होंने एक सेपरेट होमलैंड का मुतालबा किया कि हमें एक सेपरेट होमलैंड चाहिए क्योंकि हमारा यहाँ पे हमारी जो एग्जिस्टेंट है वो थ्रेटन्ड है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ टू मोल्ड आवर इंडिविजुअल और कलेक्टिव लाइव्स अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड टू सेफ गार्ड
आवर सेल्फ अगेंस्ट ऑल दोज आइडियोलॉजीज दैट आर अगेंस्ट इस्लाम। तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में ये भी था कि जो एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी थी सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम की, वो मुसलमान ये सोच रहे थे कि ये हमारे बिलीव्स, हमारे कल्चर, हमारे सिविलाइजेशन के अगेंस्ट है। तो उन्होंने अपनी एक नई आइडियोलॉजी बनाई जिसमें उन्होंने टीचिंग्स ऑफ इस्लाम को शामिल किया। इसमें सेकेंड जो थिंग थी वो टू नेशन थ्योरी थी। सर सैयद अहमद ख़ान ने, ये पियोनियर थे टू नेशन थ्योरी के, इन्होंने फर्स्ट ये वर्ड यूज़ किया था फॉर द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। द सेकेंड पॉइंट इट एज दे थॉट द मुस्लिम्स पजेस अ डिफरेंट कल्चर, हिस्ट्री एंड रिलीजन एक्सेट्रा फ्रॉम हिंदूज, सो देयर मस्ट बी सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट। मुसलमानों का सब कॉन्टिनेंट में, बरसगीर में ये ख्याल था कि हमारा कल्चर, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारे जो मज़हब है, वो वहाँ के रहने वाले हिंदूज़ और ब्रिटिशर्स से बहुत मुख्तलिफ था। इसीलिए मुसलमानों के लिए सब कॉन्टिनेंट में एक अलग होमलैंड होना चाहिए, इसलिए टू नेशन थ्योरी पेश की गई। एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या थे पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के? फर्स्ट वन था पाकिस्तान को इस्टेब्लिश करने के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे, वो है इन्फोर्समेंट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ गॉड अलमाइटी। मुसलमान ये चाहते थे कि हमारा एक गॉड है तो हम उसी के रास्ते पे चले, उसी के जो सेंग्स है उसको माने, इसीलिए भी हमें एक न्यू स्टेट की ज़रूरत है। सेकंड पॉइंट उनका था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेसी। उनको, मुसलमानों को ये लगता था कि यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है ये जैसे कि हमारे फेवर में नहीं जाती, तो हमें एक इस्लामिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें एक न्यू स्टेट की, न्यू होमलैंड की ज़रूरत है। द थर्ड वन पॉइंट वॉज द रिवाइवल ऑफ मुस्लिम इमेज एंड आइडेंटिटी। उनको मुस्लिम इमेज और आइडेंटिटी को सामने लाना था, मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम जो ट्रेडिशंस थे उसको सामने लेकर आना था। इसीलिए भी मुसलमान बरसगीर की ये चाहते थे कि हमें एक नया मुल्क दिया जाए। फोर्थ वन पॉइंट वॉज द प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर एंड सिविलाइजेशन। मुसलमानों को लग रहा था बरसगीर में कि हमारा कल्चर और हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारे जो जो हमारी एक हिस्ट्री है वो हमारी ख़त्म होती जा रही है, वो उसको ख़तरा है। तो मुसलमानों ने इसीलिए भी पाकिस्तान का मुतालबा किया ताकि उनकी जो कल्चर है और उनका जो सिविलाइजेशन है वो बहाल हो सके। द फिफ्थ वन पॉइंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बैलेंस्ड इकोनॉमिक सिस्टम। उनको एक अपने लिए एक सेपरेट इकोनॉमिक सिस्टम, एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक सिस्टम की ज़रूरत थी, इसीलिए उनका ये मुतालबा था कि हमें एक सेपरेट होमलैंड दिया जाए जिसका नाम पाकिस्तान प्रपोज किया गया। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।